हैफेड पूर्व चेयरमैन एवं घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण द्वारा आज होटल ज्वेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की कार्य प्रणाली में काफी अंतर है। मौजूदा सरकार में कार्य करने की व्यवस्था बेहतर है, जबकि पिछली सरकारों में इस तरह के कोई कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास के ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाए गए हैं, परंतु बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है। उन्होंने कहा कि आगे भी और ज्यादा बेहतर कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हैफेड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। 3.25 साल के कार्यकाल में उन्होंने हैफेड को नई दशा और दिशा देने की शुरुआत की, परंतु अब चुनाव के दौरान उन पर कार्य का बोझ ज्यादा होने के कारण वह अपने क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हैफेड के चेयरमैन से स्वयं इस्तीफा देकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई, ताकि अपने हल्के के लोगों के मध्य रहकर उनके कार्य अच्छी प्रकार से करवाए जा सके। उन्होंने कहा कि घरोंडा को मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कई सौगातें दी गई हैं, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, भानपुरा विद्यापीठ में साइंस ब्लॉक स्थापित करना, हल्के की सड़कों का पुनर्निर्माण करना व अन्य कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सिर्फ नाम के पत्थर लगाए जाते थे, परंतु विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई जाती थी, परंतु मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जो भी उद्घाटन किए गए हैं उन पर भी कार्य हुए हैं और उनको संपूर्ण भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे संगठन में रहकर चुनावी दिनों में लोगों के बीच सक्रिय रहेंगे और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि हरविंदर कल्याण 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से घरोंडा हल्के में विधायक चुने गए। इससे पहले वह विभिन्न पार्टियों में शामिल रहे। मुख्य तौर पर हरियाणा जनहित कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर ही हरविंदर कल्याण बीजेपी में शामिल हुए, टिकट प्राप्त कर पाए और विजय भी उनको मिली। परंतु अब देखना यह है कि आगामी 2019 के चुनाव में उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को जनता कितनी प्रमुखता देती है और आगामी चुनाव में क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं, यह तो वक्त के गर्भ में ही समाहित है। इस मौके पर उन्होंने उनके विधायक चेयरमैन के कार्यकाल में मीडिया द्वारा दिए गए सहयोग का धन्यवाद भी किया। आप सबका सहयोग इतना ज्यादा रहा कि आज मैं जो भी उसमें बहुत बड़ा योगदान आप सबका, तो सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा। और जैसे अब आप बात कह रहे हो कामों की, देखो कामों को दो तरीके से देखा जाता है। नंबर एक, हमारा एजेंडा क्या है और हम अपने एजेंडे अपनी सोच के हिसाब से लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कितना कर सकते हैं। एक पैमाना तो वो है कि कितना कर सकते थे और कितना किया। दूसरा पैमाना कामों का है जिसको तुलनात्मक दृष्टि से हमें देखना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पिछली सरकारों के पास भी वही थी, व्यवस्था हमें भी वही मिली। तो तुलनात्मक काम हमारा पहले से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। मजा नहीं आया था कि चेयरमैनी में या सरकार को आपकी चेयरमैनी देने में मजा नहीं आया था? नहीं, हैफेड का चेयरमैन रहते हुए मैं काफ़ी अच्छा काम कर पाया। हैफेड में जो जो ज़रूरतें थी, जो उस समय में प्रायोरिटीज़ हैफेड की थी, मैंने लगभग 3.25 साल हैफेड में चेयरमैन के पद पे मैं रहा, और जो जो वहाँ के काम अधूरे थे या जो सिस्टम वहाँ पे जो कमियाँ थी उसमें हम काफ़ी सुधार भी कर पाए। सुधार बहुत हुए, जो रुके हुए काम थे उन कामों को हमने आगे बढ़ाया, कामों को कंप्लीट किया, नए कामों को भी हमने शुरू किया, जो सरकार की योजनाओं के हिसाब से जो लोगों को ज़रूरत थी और उसमें हैफेड जहाँ फिट हो सकता था, ख़ास तौर पर प्रोक्योरमेंट की बात है और जो भी जो फसल विविधीकरण, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक विषय हमारी सरकार ने लिया हुआ है, तो उसमें हैफेड का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दालें, सरसों, जो भी ये ऐसी फसलें हैं वो हैफेड के माध्यम से वो जाती है, तो उस विषय पे हमने काफ़ी काम हमने किया। आपने जो सवाल किया कि मैंने हैफेड से रिज़ाइन जो किया, उस विषय पे आपने मेरे से सवाल किया, तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं लगभग 2.25 साल पहले जब मैं बीमार हुआ था, काफ़ी मतलब गंभीर बीमार मैं उस समय हुआ था और एक तरह से पुनर्जन्म ही मेरा हुआ था। उसके बाद मेरा वर्कलोड, क्योंकि 3रा साल ऐसा होता है सरकार के अंदर जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, 3रे साल का जो अंत है तब तक आपके काम भी ग्राउंड पे आ जाते हैं और आपके नए कामों पे, नए प्रोजेक्ट्स पे आपने काम करना है जो ग्राउंड पे आ गया, या जो नए प्रोजेक्ट और भी, और साथ साथ
जो जिम्मेवारी आपकी विधायक के तौर पे है या एडिशनल जो जिम्मेवारी आपको मिली हुई है, वो सारे के सारे कामों का वर्कलोड होता है। मैंने सारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से मैं कर पाया, पर मुझे ये महसूस हुआ पिछले साल नवंबर के आसपास मैंने इस बात को महसूस किया कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नंबर एक। दूसरी बात ये था कि ये आखिरी जो वर्ष है, जो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में फील्ड में रहना बहुत ज़रूरी है, संगठन का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे समय में जब आपको पूरा समय संगठन के कामों में देना होगा, तो ऐसी बड़ी संस्था को भी आप हेड कर रहे हो, ऐसी बड़ी संस्था का आप नेतृत्व कर रहे हो, और क्योंकि आपको संगठन में प्रायोरिटी आपकी ज़्यादा है और आप उसमें समय ना दे पाओ, तो ये न्याय संगत नहीं होता, क्योंकि हैफेड एक इतनी बड़ी संस्था है जिसको निरंतर